तो कहते हैं इमे वेणु रवा, ये बांसुरी के स्वर। इसका अर्थ है कोई बच्चे बजा रहे थे, वो सुनकर के कहते ये बांसुरी की ध्वनि, अथवा श्री कृष्ण बांसुरी बजाए थे उसका स्मरण हृदय में है, इसलिए इमे शब्द कह रहे हैं। इमे, इमे का अर्थ होता है ये, तो ये का क्या अर्थ हुआ, ये का अर्थ है कि उस समय कहीं से बांसुरी की आवाज आ रही होगी कई जगह से, तो इमे। अथवा श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो वही ध्वनि वही छवि हृदय में धसी हुई है, इसके लिए इमे कह रहे हैं। ये सबके लिए इमे है। नदी, शैल, वन और ऊंचा देश, गाँव, गौएं, बांसुरी के स्वर। संकर्षण सहाय नाम श्री बलराम जी के साथ इन्हीं स्थानों पर जो जो लीला किए कृष्णेन आचरिता प्रभो, कृष्ण ने इन स्थानों का सेवन किया। वे जमुना जी में स्नान किए हैं, तैरे हैं, इसका निर्मल जल पिए हैं, मानसी गंगा में स्नान करते थे और इन गायों की सेवा किए, उस स्वयं ही बांसुरी बजाए। तो श्री संकर्षण के साथ बलराम जी के साथ जो जो आचरिता सेविता जिन जिन स्थानों पर बैठे, खेले, खाए, गोचारण में घूमे फिरे, पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतम वत, बारम्बार वे कृष्ण का स्मरण कराते हैं। ये बहुत बुरा प्रदेश है ब्रज, कहीं भी जाते हैं तो केवल नंद सुत का स्मरण होता है, तो कृष्ण को भुलाना चाहती हैं। जब भूलना चाहते हैं लेकिन अब ये गिरिराज नहीं भूलने देता है, जमुना नहीं भूलने देती, गौएं नहीं भूलने देती हैं, और सबसे तो श्री निकेत तत्पद कैर विस्मरतुम नहीं व शक्नुम, शोभा के घर भगवान श्री कृष्ण के चरण, भगवान के श्याम सुंदर के चरण कमलों का जो निशान बना हुआ है ब्रज में जहाँ तहाँ, चरण चिन्ह, चरण पहाड़ी, विस्मरतुम नहीं व शक्नुम, हम श्री कृष्ण को भूल ही नहीं सकती हैं, कभी उनका विस्मरण करने में न शक्नुम समर्थ नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि विस्मरण करना चाहते हैं, कृष्ण को भूल करके सुखी हो जाए, लेकिन हमारे भाग्य में कृष्ण का विस्मरण लिखा ही नहीं है। ऐसे जगह पर रह रहे कि चारों तरफ से कृष्ण का स्मरण हो रहा है, जमुना जी के किनारे कृष्ण का स्मरण, गोवर्धन के तलहटी में कृष्ण का स्मरण, मानसी गंगा पर कृष्ण का स्मरण, जमुना पर कृष्ण का स्मरण, वृंदावन में कृष्ण का स्मरण, गौओं का स्मरण, बांसुरी ध्वनि का स्मरण, पुनः पुनः स्मारयंती, पुनः पुनः याद दिलाते हैं, इसलिए ब्रज में जाना चाहिए। इधर कहाँ कोई स्थान है जो बार बार कृष्ण की याद दिलावे। वृंदावन ऐसा स्थान है जहाँ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको देख करके बारंबार कृष्ण का स्मरण होता है, पुनः 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 स्मारयंती नंद गोप सुतम वत, श्री निकेत तत्पद कैल विस्मरतुम नैव शक्नुम, और चरण चिन्ह आदि, इनसे हम कृष्ण को विस्मरण कर ही नहीं सकती, समर्थ नहीं है। उद्धव जिसे कह रहे हैं गत्या ललितयोदार हास लीलावलोकन ही माधव्या गिरा हृत धियः कथम तम विस्मराम है। हे उद्धव, हम कैसे कृष्ण को विस्मरण कर सकते, कैसे भूल सकते हैं। पहले तो उनकी चाल याद आ रही, उद्धव जी के सामने ही कहने लगे वे कितनी सुंदर चाल चलते हैं, नृत्य करते हैं, और साधारण गति से भी चलते हैं तो लगता है कि नाचते हुए चल रहे हैं, तो साधारण चाल से चलते ही नहीं, नाचते हुए चलते ही है कृष्ण। गाय चराने जाते हैं तब भी नाचते हुए, गाय चरा करके आते हैं तब भी नाचते हैं, और वृंदावन में गौएं तो अपनी मर्जी से चरती रहती हैं, ये इधर गोपों के साथ नाचते रहते हैं, बलराम जी के साथ, गोपों के साथ। कभी कभी दोनों भाई गोपों के गोष्ठी में बैठते हैं बीच में,
कभी नाचते हैं दोनों भाई एक साथ, और गोप लोग बांसुरी बजाते हैं और कई प्रकार के बाजे बजाते हैं, वन से वृक्षों के पत्ते तोड़ करके उसको भी पिपहरी जैसे बना लेते हैं, उसे भी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मृदंग लेकर नहीं जाते हैं वृंदावन में। लेकिन श्री कृष्ण बलराम जब नाचने लगते हैं तो देवता लोग गोप का वेश बना करके आ करके और कई प्रकार के बाजे बजाने लगते हैं। और प्रशंसा सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। जब नाचते हैं कृष्ण और श्री बलराम जी तो कोई कोई गोप कहते हैं ऐसा चित्ररथ गंधर्व भी नहीं गा सकता, इतना सुंदर है। और वास्तव में चित्ररथ गंधर्व उसके आगे क्या है, भगवान जी इतना बढ़िया गाएंगे, इतना सुंदर नृत्य और इतना सुंदर गीत। तो गति कहते हैं इसको, गति का अर्थ है चाल। तो चाल चलना, साधारण चाल से भी चलते हैं तो उस चाल को देख करके कितने लोगों का मन उसी में अटक जाता है, वही देखते के देखते रह जाते। राधा रानी का एक पद एक भक्त ने उद्धृत किया है, लिखा है, राधा रानी कहते हैं कि अरे सखी तुम लोग धन्य हो कि श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के सभी सौंदर्य को देखी हो, उनका मुख भी देखी, उनकी चाल भी देखी, वनमाला भी देखी, मुकुट मोर मुकुट भी देखा, उनकी भुजा भी देखी, लेकिन मैं क्या कहूँ सखी, मैं बहुत अभागनी हूँ, उनके कुंडल को मैं देखती रह गई, कान का जो कुंडल है उसी को देखते देखते मैं पड़ी रही है, तब तक श्री कृष्ण अपने घर चले गए। बहुत दुख मुझे हो रहा है कि मैं और सौंदर्य नहीं देख पाई। तो श्री कृष्ण की चाल, चाल के साथ साथ नृत्य की अद्भुत नृत्य कला, ऐसा कोई नहीं नाच सकता है। नाचने वालों में भगवान शंकर प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये बहुत भयावह नाच करते हैं, तांडव नृत्य। भयावह नृत्य होता है। जो चार दिशाओं में हाथी हैं, ब्रह्मा जी ने जिनको नियुक्त किया है, प्रलय काल में चारों हाथी को एक त्रिशूल में खोभ लेते हैं, चार दिग्गज हिमालय पहाड़ से भी बड़े बड़े सब, और विश्व का प्रलय करने के लिए उन हाथियों को त्रिशूल में उठा करके और नाचते हैं। हमने इंग्लैंड में एक बार एक तांडव नृत्य देखा, एक भक्त शंकर जी बन करके नाच रहा था, तो वो इतना भयावह नाचा कि हम सोचने लगे कि भगवान शिव नाचते होंगे, कितना भय लगता होगा। नाच रहा था और बाजे बजाए गए, तो रिकॉर्ड किए गए थे, तांडव नृत्य का गीत बज रहा था, उस पर नाच रहा था। सुंदर भय भी एक सुंदरता है, भय लग रहा था और कुछ बच्चे तो भाग चले आगे से, अभी जो बैठे थे कुर्सी पर। तो ये नटराज हैं, भगवान शिव नाचने वालों में राजा हैं श्रेष्ठ, और श्री कृष्ण नटवर हैं, नट में सबसे श्रेष्ठ, नट माने नाचने वाला। गोपी जन कह रहे हैं कि श्याम सुंदर हमारे हृदय को छीन लिए, कैसे गिरा, मैं गत्या गति से अपनी चाल से, और ललितया एक गति का विशेषण है, ललित गति से हमारे चित्त को हर लिए, हृत धिया, और उदार हास
और उनकी उदार हंसी, उदार का यहाँ अर्थ है परमानंद देने वाली हंसी। उत आर, आर से परे, सीमा से परे, आर का अर्थ सभी लोग जानते हैं इधर, आर मतलब सीमा, क्यारी में जो आर मेड़ बनाया जाता है आर कहते हैं। तो उत आर का अर्थ है कि सीमा से बाहर, अर्थात परम परम आनंद देने वाली हंसी है भगवान की। तो श्याम सुंदर अपनी उदार हंसी से हमारा चित खींच ले, और ऐसी हंसी के साथ लीला व लोकन ही, लीला व लोकन या अपनी लीला से अपनी चितवन से हर लिए हमारे चित को। लीला व लोक में एक शब्द है लीला अवलोक, ऐसा नहीं कि जान बुझ करके देखें किसी पर, लेकिन अपने आप अपनी मौज में भी हंसते हैं मुस्कुराते हैं, इसके द्वारा हमारा चित हर लिए। और फिर लीला वलोक का एक अर्थ है हंसते हुए देखना, मटकी मारना, इशारा करना, इसको लीला वलोक कहते हैं। तो लीला वलोक और उदार हंसी और ललित गति और सबके बाद माधवी गिरा बाणी, बाणी ऐसे बोलते हैं जिसे लगता है कि मधु में पागा गया, मधुर बाणी, इन सबके द्वारा हमारा चित हर लिया गया है। तो हे उद्धव या हे सखी, तम कथम विस्मराम, हम कैसे उनको विस्मृत कर सकते हैं, यह संभव है? गोपीजनों की ये दशा है, कहते कैसे हम कृष्ण को भूल सकते हैं। इधर तो अभी प्रश्न है कि क्या किया जाए कि कृष्ण का स्मरण हो। तो स्मरण होगा यही सब सुनने से पढ़ने से, कथम तम विस्मराम। अब उद्धव जैसे बात कर रहे थे और तब तक भावावेश में भूल चुकी कि उद्धव हमारे सामने हैं, प्रियतम श्याम सुंदर ही सामने हैं और उन्हीं से कह रही है, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवात। तो मानो उच्च स्वर से कृष्ण से कह रही हैं, ये भावना करके कि श्री कृष्ण कहीं दूर हैं पर आवाज सुन सकते हैं, हे नाथ हे गोपीनाथ, हे हम गोपियों के स्वामी, हे प्रियतम और हे रमानाथ और हे राधानाथ, रमानाथ का अर्थ है राधानाथ, हे राधा रानी के रक्षक या पति या हे लक्ष्मीपति, हे ब्रजनाथ हे ब्रज के रक्षक, आपने ब्रज की रक्षा के लिए एक दिन गोवर्धन पर्वत उठा लिया और कई प्रकार से आपने रक्षा किया है, और हे आरती नाशन, हे सबका दुख नष्ट करने वाले, सबका आरती दुख विनाश करने वाले, हे गोविंद, यह सारा गोकुल ब्रजमंडल दुख के समुद्र में डूब रहा है, मग्न हो रहा है, तो उद्धर हे गोविंद, मग्नम गोकुलम उद्धर, ये मग्न होने जा रहा है या मग्न है दुख के समुद्र में, तो आप ब्रिजिन अर्णवात दुख के अरणों से, दुख के समुद्र से इसका उद्धार कीजिए। उद्धव जी के साहचर्य को भी भूल गए और भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट कहने लगे, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवात। हे नाथ हे रमानाथ हे ब्रजनाथ,
इस ब्रज का समस्त ब्रजवासियों का रक्षक कोई दूसरा नहीं, आप ही ब्रज के नाथ, और आप रमानाथ हैं, आप समर्थ हैं, हमारे तो प्राणनाथ आप ही हैं। जब आप विश्व का दुख दूर करने के लिए अवतार लिए हैं, सबका दुख दूर करते हैं, तो ब्रजवासियों का क्यों दुख दूर नहीं करेंगे? तो यह ब्रज दुख के समुद्र में डूब रहा है, आप हे गोविंद, हे गौओं से प्रेम करने वाले, हे गिरधारी, हे गोवर्धन उठाने वाले, आप ब्रिजिन अर्णवा दुख के समुद्र से ब्रज को बचाइए। इस तरह से कह करके फूट फूट करके रोने लगी। पृष्ठ 53 पर, 63 पर, 191 पद है। एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, गाना चाहिए। वह मुसुक्यानी, वह का अर्थ वही, मुस्क्यानी ब्रजभाषा है, वही मुस्कान जो आप यहाँ थे और हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, तो वही मुस्कानी, वह मृदु बतरानी, और आप किस तरह से कोमल कोमल बात करते थे, मधुर मधुर, तो वही आपका बतियाना बतरानी, और वह लड़े किली बानी आने उर्मे रथ है, और आपकी वो लड़कीली बानी, लड़कीली बानी का मतलब है कि लड़के, लड़के की जो आदत होती है चटक मटक, उसको कहते हैं बानी, मन बानी मैंने आदत, आनी आ करके उर्मे अराती है, हमारे हृदय में आपकी वही मुस्कान और वही बातचीत करना और लड़कीली बानी, मक्खन मांगना, गोरस मांगना आदि, या दान लेना, आनी उर्मे अरती है, हृदय में आकर के अड़ी रहती है। वह गति लयन, किस प्रकार से आप चलते थे और नृत्य करते थे, गति लेना, किस प्रकार के आप गति लेते थे। वह गति लयन और बजावनी ललित बयन, बयन मतलब बांसुरी बेणू, और आपका वही ललित बांसुरी बजाना, वह हंसी दैन हियराते नाटर आती है, और हमें हंस करके कुछ देते थे, हंसी दैन, हंसी देना या हंस करके देना, वो आप हंस करके कुछ चीज़ देते थे, कोई चीज़ भगवान भी चुरा लेते थे। जैसे एक बार होली में राधा रानी का बाजूबंद, बाजूबंद कहते कंकड़ को, चूड़ी को निकाल लिए, और निकाल करके धीरे से रख लो, हाथ रखते ही हैं ऐसे, तो राधा रानी भगवान के लीला के आवेश में थी, गा रही थी, नृत्य कर रही थी, तब तक श्री कृष्ण कंगन सोने का निकाल लिए। तो कैसे पद है, हाँ, मेरे खोए गए बाजू बंद रसिया होरी में, और पूछते हैं श्याम सुंदर से, ये होरी हो रही थी, हमारे बाजू बंद सोने का कंगना खो गया है, कौन दिया? तो श्री कृष्ण कहते हैं उनको तो कुछ भी पता नहीं है, मेरे खोए गए बाजू बंद रसिया होरी में, बहुत प्रसिद्ध पद है। तो इसको कहते, और फिर कभी देते थे तो हंस करके देते थे, वही हंसी दैन, दैन मैंने देना, हंस करके देना, हियराते न टरती, हृदय से टरती नहीं, हियरा मैंने हृदय से टरती नहीं है, वह तो मुस्कुरा कर हंस करके देना। वह चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, और उस प्रकार से चतुराई से चिताई चाहिबे की छवि, चतुरता से चिताई चाहिबे की छवि, चतुराई से हंस करके तिरछी चितवन से देखने की छवि, आप किस तरह देखते थे,
और वह छैलताई न छिन्नक बिसरती है, आपकी छैलताई आपकी सुंदरता क्षण भर भी नहीं बिसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जुकी, आप आनंद के निधान हैं, प्राण से भी प्रियतम हैं और सुजान हैं। सुजान का अर्थ है कि आप सब कुछ जानते हैं। शुद्धि सब भांति न सो बेशुद्धि करती है, आपकी जब शुद्धि आती है तो एकदम बेशुद्ध कर देती है। ये कविता का एक गुण है, जब शुद्धि आती है तो बेशुद्ध कर देती है। शुद्ध आपकी शुद्धि आकर के हमको बेशुद्ध कर देती है, मतलब आपकी जब याद आती है तो संसार का सब कुछ भूल जाता है। वह मुस्कानी वह मृदु बत रानी वह वह मुस्कानी मृदु बत रानी लड़कीली बानियानी उड़ने आरती है चिताई चाही बेकी छदी वह चतुराई सो चिताई चाही बेकी छदी चाहिबे का अर्थ देखने की छवि, कितना सुंदर आप देखते हैं यह अर्थ है। वह चतुराई सो चिताई चाही बेकी छवि वह चतुराई सो छलताई नाचे ना कभी सरती है आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जुकी आनंद निधान सब भांति मासा बेशुद्धि करती है शुद्धि सब भांति मासा वह मुस्कानी वह मृदु बत रानी वह बेशुद्धि करती है तो इस अवसर पर वृंदावन का नाम आया ब्रज का, तो उससे संबंधित एक पद है।
ये भक्तों के भाव में है। घनानंद जी कहते हैं गुरनी बतायो, ये इसी पृष्ठ पर 52 पृष्ठ पर है, 185 पर। गुरुजनों ने बताया गुरनी बतायो, राधा मोहन हूँ गायो, और श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर ने भी गाया है ब्रज की महिमा। गुरुजनों ने बताया है और राधा और मोहन ने भी गाया है, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे, सुखद वृंदावन को गाढ़े गहिरे, दृढ़ रूप से पकड़ लो वृंदावन, दृढ़ता से पकड़ लो, चाहे गाढ़े दिन में पकड़ लो। गाढ़ा दिन कहते हैं जब विपत्ति का दिन होता है उसको गाढ़ा दिन कहते हैं। अद्भुत अभूत महिमंडल परे ते परे, जीवन को ला हा क्यों न ताही लही रे। ये इस पृथ्वी पर महिमंडल पर अद्भुत देश है, अद्भुत स्थान है, अद्भुत अभूत महिमंडल परे ते परे। ये वृंदावन महिमंडल पर है लेकिन महिमंडल से परे है, ये वास्तव में गोलोक धाम ही है वृंदावन, पृथ्वी का अंश नहीं है। जीवन को लाहो हाहा क्यों न ताही लही रे, लाहो ने लाभ, जीवन का लाभ हाय हाय क्यों नहीं ले रहे हो। आनंद को घन छायो रहता निरंतर है, जहाँ आनंद का बादल वहीं छाया रहता है, अर्थात श्री कृष्ण वहीं रहते हैं, वे आनंद घन हैं। आनंद को घन छायो रहता निरंतर ही, सरस सुदेश सो पपीहा पन वही रे। तो ऐसे आनंद घन के लिए पपीहा की वृत्ति, चातक बनो चातक, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं, वृंदावन से कभी नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, अतः अगर कृष्ण को पकड़ना है तो पपीहा बन करके उसी देश में रहो वृंदावन। जमुना के तीर के लिए कोलाहल भीड़, जमुना के तीर पर जहाँ भगवान कृष्ण की लीला रासलीला की भीड़ रहती है, ऐसे पावन न पुलिन पर पतित परी रही रहे। अरे पतित, ऐसे पवित्र जमुना जी के तट पर पड़े रहो, ये उपदेश है। गुरनी बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा, गुरनी बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा, सुखद सुहायो Thank you.
कोई गोपी कह रही है, इसी पद के ऊपर है, मैं हे श्याम सुंदर आपको खोजने के लिए कहाँ कहाँ घूमी लेकिन आपसे भेंट नहीं हुई, इसी बात का बहुत दुख है। इत उत जग में दीवानी सी फिरत रही, मैं जहाँ आपका थोड़ा सा भी पता लगा कि आप यहाँ हैं यहाँ हैं, तो मैं संसार में इधर उधर घूमती रही आपको देखने के लिए, दीवानी होकर पगली बन करके। इत उत जग में दीवानी सी फिरत रही, कौन बदनामी जौन सिर पर लई नहीं। और ब्रज में हमें लोग बदनाम करते हैं, या उल्टा है, या पति को छोड़ चुकी है, ये है वो है, सब भाई बंधुओं को नहीं मानती है। कौन ऐसी बदनामी है जौन सिर पर लई नहीं, अपने सिर पर मैंने कौन सी बदनामी नहीं ली, सारी बदनामी हुई। त्रास गुरु लोगन की आस कह अनेक सही, त्रास गुरु लोगन की आस कह अनेक सही, कब बहु भांति न के ताप सो तई नहीं। गुरुजनों का त्रास, मतलब सास ससुर का त्रास और लोगों का त्रास, आस कह अनेक सही, और मैं स्वजनों से अनेक आशा रखी, आशा सब विफल हुई, या आपकी आशा से मैं अनेक दुख सही, कब बहु भांति न के ताप सोतई नहीं। कब सुख से रही, कभी नहीं, सब समय ताप सताए दुख सताए आपकी विरह में। हरिचंद गिरी वन कुंज जहाँ जहाँ सुन, हरिचंद कवि जी कहते हैं कि मैं जहाँ सुनी, वे कहते हैं गोपी कहती है कि मैं जहाँ सुनी गिरी में, गोवर्धन में सुने कि गोवर्धन में है, वन में है, कुंज में है, जहाँ जहाँ सुने, जहाँ जहाँ सुने कि श्याम सुंदर यहाँ है, तहाँ तहाँ कब उठी धाई के गई नहीं। कौन ऐसा समय है जब मैं दौड़ करके गई नहीं आपसे मिलने के लिए। होनी अनहोनी किनी, मैंने होनी को अनहोनी किया, जो नहीं होने वाली थी उसको होने वाली किया, और जो होने वाली थी उसको अनहोनी किया। चंडीदास जी ने इस पद पर इसी प्रकार भाव लिखा है, घर कैनु बाहिर बाहिर कैनु घर, मैं घर को बाहर समझा और बाहर को घर समझा, वृंदावन को ही घर समझा, और अपना जो घर था पति का उसको घर नहीं समझा। तो यही है, होनी अनहोनी किनी सब ही तिहारे होते। हे श्याम सुंदर आपके लिए मैंने होनी अनहोनी सब किया, तव प्राण प्यारे भेंट तुमसो भई नहीं, फिर भी हे प्राण प्यारे आपसे भेंट नहीं हो। इतव उत जग में दीवानी सी फिरत रही, इतव उत जग में दीवानी सी फिरत रही, कौन बदनामी जौन सिर पर लई नहीं, कौन बदनामी जौन सिर पर लई नहीं। त्रास गुरु लोगन की आस कह अनेक सही, त्रास गुरु लोगन बहु भांति न के ताप सोतई नहीं। हरिचंद गिरि वन कुंज जहाँ जहाँ सुन, हरिचंद गिरि चंद गिरी बन कुंज जा